नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश मेरा गांव मेरा देश में। और आज हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बैठकें कर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में कुछ जाने माने स्कूलों के सामने ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिसमें कि गोमती नगर के CMS स्कूल और इसी के साथ ही जयपुरिया स्कूल मुख्य रूप से आते हैं। यहाँ पर छुट्टी के समय अभिभावकों की तरफ से गाड़ियां रोड के किनारे लगा दी जाती हैं, जिसके बाद रोड पर अतिक्रमण बढ़ जाता है। वहीं छुट्टी के समय सैकड़ों की तादाद में लोगों का आना जाना होता है, यहां पर घंटों घंटों जाम लग जाता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने हेतु कोई भी उचित अधिकारी मौजूद नहीं होता है और ना ही ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाता है। जी हाँ, जहां एक तरफ क्लास में ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ही तरफ स्कूल कैंपस के बाहर नियमों को तार तार किया जा रहा है। ऐसे हालात शहर के हर बड़े स्कूल के सामने छुट्टी के समय देखने को मिल सकते हैं। स्कूल कैंपस के अंदर तो मैनेजमेंट और इसी के साथ ही अनुशासन नजर आता है, पर स्कूल बिल्डिंग के बाहर स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते हालात भयावह हो जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर स्कूली वाहन और इसी के साथ ही पेरेंट्स के वाहनों के बेतरतीब खड़े होने से आम पब्लिक के लिए जाम मुसीबत बनकर खड़ा हो जाता है। चारों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और मेन रोड पर भी इसका असर होता है। आधी रोड पर स्कूल और पेरेंट्स के वाहनों की पार्किंग और बीच रोड पर गाड़ी रोककर बच्चों को बैठाने के चलते पूरी रोड चौक हो जाती है। ऐसे में इसका खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ता है। हालांकि आपको बता दें कि शहर के तमाम बड़े स्कूलों के लिए जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित थानों की पुलिस ने पत्र लिखकर मीटिंग करके सड़क को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के लिए नियम कायदे बनाए थे। स्कूली वाहनों को स्कूल कैंपस की पार्किंग में खड़ा करना, इसी के साथ ही छुट्टी के समय में बदलाव करना और स्कूल गेट तक वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन ना तो स्कूल मैनेजमेंट इन्हें फॉलो कर रहा है और ना ही पेरेंट्स इसके लिए तैयार हो रहे हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि ये जो जाम की स्थिति हर रोज स्कूल के बाहर बन जाती है, इससे लोगों को निजात कब मिलेगी? अधिकांश करके हजरतगंज साइड में वहाँ जाम ज़्यादा लगता है और उसके वापसी में कभी कभी वैसा कुंड के पास वहाँ भी लगता है। इसमें देखा जाए दोनों की, हमारी आम जनता भी सही रूल से गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं, उसके बाद का नाम है प्रशासन भी अगर व्यवस्था टाइट रखे तो ठीक सर। ट्रैफिक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि शायद किसी भी दिशा में आप चले जाइए, चाहे आप स्कूल है, कॉलेज है, बस स्टॉप है, जिस भी रास्ते से आप निकलेंगे ट्रैफिक की हालत एकदम जर्जर और एकदम बज्जर है। हर जगह पे ट्रैफिक आपको मिलेगा, कहीं क्रॉसिंग का ट्रैफिक है, कहीं बाइक का ट्रैफिक है, कहीं कार का ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक से निजात नहीं है पूरे शहर भर में। बहुत जाम लगता है हर जगह, जैसे जयपुरिया हुआ, स्कूल के सामने हुआ, भरवारा हुआ, हजरतगंज हुआ, इसके बाद जहाँ एक घंटा में जाना रहता है वहाँ डेढ़ दो घंटा लग जाता है, ढाई घंटा लग जाता है। तो देखिए, सुना आपने लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि उन्हें लोगों को परेशानियां होती हैं, जो एक घंटे का सफर होता है वो दो से ढाई घंटे का हो जाता है, उन्हें घंटों जाम से गुजरना पड़ता है, घंटों तक गाड़ियां एक ही जगह खड़ी होती हैं रहती हैं और आगे बढ़ नहीं पाती हैं। देखिए, गर्मी का समय है और ऐसे में गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में दो से तीन घंटे का सफर जो एक घंटे में पूरा हो सकता है, वो जाम की स्थिति इतनी हो जाती है कि दो से ढाई घंटे उसमें निकल जाते हैं जाम में और लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आपको बता दें कि लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक दो स्कूल नहीं बल्कि हर सड़क, हर बस स्टैंड और हर कॉलेज के बाहर का यही नज़ारा होता है। अगर हम छुट्टी का समय देखें या फिर सुबह जब स्कूल में बच्चे पहुँचते हैं उस वक्त भी, और जब छुट्टी होती है उस वक्त भी, आपको बता दें कि लोगों को इतनी परेशानियाँ होती हैं कि लोग ठीक से जो सड़क है वो भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसको लेकर नियम ज़रूर बनाए गए थे,
मीटिंग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो निर्देश जारी किए गए थे उनका पालन सही से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता राजकिशोर वर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ जानकारी अपडेट है उनके पास। राज, तस्वीरें हम देख रहे हैं और लोगों को भी हमने सुना, उनकी समस्या जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो एक घंटे का सफर है वो 2 से 2.5 घंटे का हो जाता है। ये सिर्फ एक या दो स्कूल की बात नहीं है, ये हर स्कूल के बाहर का नजारा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में सड़कों का जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खराब नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां एक तरफ प्रशासन की कड़ाई से पालन करने को निर्देशित किया जाता है, उसके बावजूद भी नगर निगम और ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस विभाग इस पर कड़ाई से पालन नहीं करा पाता है। हम बता दें ऐसी जो कठिनाइयां लोगों को, इसकी कठिनाइयां जो है वो आम जनता को झेलना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए अगर समस्या देखी जाए तो दोनों तरफ से भी होती, कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो भी अपने नियमों का सही से पालन नहीं कर पाती है। ऐसे में अगर देखा जाए जहां पर जो प्रमुख रोडे होती है जैसे हजरतगंज, गोमती नगर और पुराना चौराहा अमीनाबाद, ऐसी कई जगहों पर देखा जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। ऐसे में क्या होता है कि जो आम जनता होती है वो जो नियमों को ताक पे रखते हुए ट्रैफिक रोडों को क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक पर रोड के किनारे गाड़ियां लगा देते हैं, ठेले दुकानें लगे होते हैं, अतिक्रमण है, कहीं इन सब की वजह से ही जो ट्रैफिक व्यवस्था वो पूरी तरीके से खराब है। जहां एक बार नगर निगम अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाता है और पुलिस ट्रैफिक विभाग गाड़ियों को उठाने का काम करता है, पर कहीं ना कहीं उन सबसे जो आम जनता है वो खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो अपने अमानवीय तरीके से गाड़ियों को बेढंग रूप से चलाते हैं और रोड पर गलत तरीके से खड़े कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को, पैदल चलने वाले लोगों को, साइकिल से चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक बड़ी घटना भी कही जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ऐसी जगहों पर जहां पर भारी जाम लगा होता है उसके बीच में एम्बुलेंस लग जाए या किसी कोई आकस्मिक दौरान आर पार करना हो तो नहीं जा पाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कभी कदार बड़ी घटनाएं भी हो जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है प्रदेश की राजधानी में, और इसको लेकर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकों पर निर्देशित करते हैं, चाहे वो एडीजी जोन हो, एडीजी जोन के आला अधिकारी हो या पुलिस विभाग के अधिकारी हो या ट्रैफिक व्यवस्था या नगर निगम के, सभी को निर्देशित करते हैं कि किसी प्रकार से जो आम जनता है उनको दिक्कतें ना हो, कड़ाई से पालन किया जाए, नियमों का पालन कराया जाए, चाहे वो कोई भी हो, पर कहीं ना कहीं उन सब में जो ढिलाई की वजह से ये इतनी बड़ी समस्याएं जो है वो आम जनता के लिए हो रही है। जी बिल्कुल, और राज देखिए क्योंकि इससे पहले हम कई बैठकें देख चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हैं, ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनके साथ हमने कई बार मीटिंग्स देखी हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जो अभियान सरकार की तरफ से चलाया जाए उत्तर प्रदेश में वो काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देखकर वो जो कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाती है, जो बैठकें की जाती हैं वो असफल नजर आती हैं। राज जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि बीते दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, बैठक में वो लगातार अतिक्रमण को लेकर और रोडों पर जो अमानवीय तरीके से दुकानें लगाते हैं, अवैध तरीके से दुकानें लगाते हैं, नगर आयुक्त को भी आदेशित किया था, उसके साथ साथ मंडलायुक्त को भी निर्देशित किया था कि जो दुकानें जो वेंडिंग जोन है जो खुले आम रोडों पर दुकानें लगती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट्स में भी दिक्कतें होती हैं, आम जनता को भी दिक्कतें होती हैं, इसको लेकर कहा भी था कि जो अधिकारी हैं इसको कड़ाई से पालन कराएं, इनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए, यहाँ तक कि नगर निगम ने एक रोड मैप भी तैयार किया था कि जो रोडों पर दुकान लगाते हैं उनको जगह मुहैया कराया जाए और वेंडिंग जोन में उन्हें स्थापित किया जाए, पर कहीं ना कहीं दुकानदार जो है वो दुकानें लगाने के बाद वहां पर कुछ दिन तक तो दुकान लगाते हैं, उसके बाद फिर वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर रोडों पर दुकानें लगा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो जाती है। और वहीं दूसरी अगर बात करें, स्कूलों के छुट्टी के समय पर अक्सर देखा जाता है कि जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो गाड़ियां लाकर आड़ी टेढ़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले लोग हैं रोडों पर जो जाते हैं उनके लिए दिक्कतें होती हैं, और ऐसे में वहां पर ना कोई ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सुधार करने के लिए ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस होता है, ना ही वहां पर कोई आला अधिकारी होता है, ऐसे में वहां पर भारी जाम का सामना करना पड़ता है। अगर किसी इंसान को उस रास्ते से जाना है तो लगभग जो आधे घंटे का सफर होगा वो लगभग 1.5 से 2 घंटे में वो सफर खत्म होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं लोगों के लिए उत्पन्न होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा ये भी जाए तो ये कि बड़ी समस्या है प्रदेश की राजधानी में अगर इस प्रकार की समस्या है, तो बाकी जनपदों की बात करें तो वहां पर किस प्रकार से माहौल होगा ये देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन
राज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जो स्कूल है, स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए सरकार तो कदम उठा रही है, प्रशासन भी कदम उठा रहा है, नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये दायित्व स्कूल मैनेजमेंट का भी बनता है कि समस्या, क्योंकि देखिए सिर्फ जो रास्ते पे लोग चल रहे हैं उनको नहीं हो रही है, पेरेंट्स को भी हो रही है, बच्चों को भी हो रही है, घर जाने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, घंटों जाम में उन्हें भी जूझना पड़ता है, सिर्फ आम लोगों को नहीं जो उस रास्ते से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कर्तव्य या फिर दायित्व तो स्कूल मैनेजमेंट का भी बनता है, क्योंकि बाहर जो स्थिति रोड पर हो रही है, ट्रैफिक की वजह से हो रही है, उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तो गलती ही है इसमें, क्योंकि जो स्कूल का है तो इसकी स्वयं जिम्मेदारी बनती है कि जब छुट्टी हो तो उस समय पर उनके जो कर्मचारी हो बाहर गेट पर मौजूद हो और लोगों को सही मार्ग पर जाने को निर्देशित करें और जिनके घंटों जो जाम लगता है उसको ना लगने दें, पहले से ही जो पार्किंग है वहां पर गाड़ी खड़ी करवाएं, कहीं ना कहीं ये सब चीजें अगर वो स्कूल मैनेजमेंट ही संभाल लेता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं। हालांकि प्रशासन को उतना दोष देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती इसमें आम जनता के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट की भी होती है और वो भी इस पर कड़ाई से पालन नहीं करवा पाते, तो जो इन्हीं सभी वजह से देखा जाता है, तो जो घंटों भर जाम लगता है और आम जनता को जो झेलना पड़ता है और उनकी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं धूप में निकलना पड़ता है, कहीं ना कहीं सब चीजों की वजह से भारी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और राज, अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि नियम तो बनाए गए थे, इसको लेकर मीटिंग भी हुई और वो नियमों को पालन कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चूक कहा जा सकता है, क्योंकि ठीक से पालन उन नियमों का कराया नहीं जा रहा। जिस तरह से आप जानकारी से पहले दे रहे थे कि कुछ दिन तक ठीक है, जो दुकानदार हैं वो रेहड़ी लगाते हैं, कुछ दिन तक अगर प्रशासन की तरफ से उन्हें हिदायतें दी जाती हैं तो कुछ दिन तक वो हटा लेते हैं अपनी रेड़ी, दुकानें हटा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो अपनी दुकानें वहाँ पर लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा है जो नियम बनाए गए हैं, कायदे कानून बनाए गए हैं। जी 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 बिल्कुल, देखिए अगर सख्ती से पालन कराया जाए तो कहीं ना कहीं उन दुकानदारों के अंदर भी एक डर रहे कि हाँ अगर उन्हें इतना चालान भरना पड़ेगा जो उनकी कमाई से ज्यादा अधिक है तो कहीं ना कहीं वो वहीं पर दुकान लगाए, पर ऐसा नहीं हो पाता है। असर क्या होता है कि जब दुकानदारों को हटाया जाता है या ट्रैफिक दुर्घटना को लेकर नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जाता है, गाड़ियां रोड से उठाई जाती है, कहीं ना कहीं जो चालान की सीमा है, जो चालान का शुल्क है वो उनके लिए कम होता है और कहीं ना कहीं शोर सिफारिश से भी वो चीजें हट जाती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी जनता के लिए एक बड़ी दिक्कतें होती हैं और अधिकारियों के लिए भी इनको सामना करना पड़ता है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, अगर ट्रैफिक व्यवस्था में जो चालान की राशि है अगर उस पर चालान किया जाता है तो उनको वसूलने का भी दायित्व बनता है कि उन पर वसूलना जाए। हमारे साथ मनीष यादव है, समाज सेवी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। और सर देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ट्रैफिक लगातार बढ़ जाता है, घंटों जाम से लोगों को गुजरना पड़ता है, लोग साफ ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सफर है महज आधे घंटे में पूरा हो सकता है, वो ट्रैफिक की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं उन्हें ट्रैफिक में। सर नियम कायदे कानून तो बनाए गए हैं लेकिन ठीक से पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल नहीं आ रहा है, पे हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे, मान लीजिए लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो जो रास्ता 5 से 10 मिनट में खाली हो जाना चाहिए उसमें करीब करीब आधे से 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जा रहा है, वाहन बेमतलब कंडक्टर खड़े कर देते हैं, जितने भी होते हैं अपने बच्चों को लेने आए हैं मान लीजिए तो उन्हें वाहन अपना जो है वो साइकिल ट्रैक पे ही खड़ा कर दिया है, वहां से बच्चों को लेने जा रहे हैं, अब उसमें ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी काम नहीं आ पा रही है, पुलिस प्रशासन भी किसी काम में नहीं आ पा रहे, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग क्या ही बताएं, राहगीरों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी देखिए क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं, स्कूल एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं, सिर्फ एक स्कूल नहीं है, अगर हम तमाम स्कूलों की बात करें, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बच्चों से जूझना पड़ता है, एक समाज सेवी के तौर पे मैं सर जानना चाहती हूँ कि इन तमाम चीजों को लेकर क्या आगे स्टेप होना चाहिए, क्योंकि देखिए रूल्स तो बनाए जा रहे हैं लेकिन ना ठीक से उनका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और दूसरी तरफ पेरेंट्स भी हैं जो सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, उसके लिए मैम पहले तो ये करना रहेगा कि नियमों का पालन कराना जाना चाहिए और जो भी क्या कहते हैं व्हीकल सामने सड़क पे खड़े हुए हैं वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था का एक तो पालन कराया जाना चाहिए, उसके अलावा ट्रैफिक
चले। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो मनीष यादव जी हमारे साथ जुड़े थे समाज से भी। मैं वापस रुक अपने संवाददाता का करूंगी। राज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज देखिए सवाल ये है क्योंकि हम पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि नियम जो बनाए गए थे उनको तो अनदेखी की ही जा रही है, शायद पालन नहीं भी कराया जा रहा है ये भी कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोगों की बात करें, जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को वहाँ पर स्कूल में छोड़ने आते हैं, लेने वापस आते हैं स्कूल में, कहीं ना कहीं उन पर भी सख्ती बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि ढिलाई सिर्फ प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही है, समझना पेरेंट्स को भी पड़ेगा, अभिभावकों को भी पड़ेगा कि जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं उनकी वजह से, और साथ साथ वो खुद भी हो रहे हैं परेशान। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हम अभिभावकों की, तो जो जब स्कूल का समय पे छुट्टी होती है, जब छुट्टी होती है उस समय पर अभिभावक क्या करते हैं कि गाड़ियां लाकर रोड पर खड़ी कर देते हैं। अगर पहले से ही स्कूल मैनेजमेंट उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था कर रखा हो और उनके जो सुरक्षा अधिकारी हो, सुरक्षा के जो कार्य देखते हो, उनको लगाया जाए कि अगर पेरेंट्स आए उनको गाड़ी यहाँ पे खड़ी करवानी है, इस जगह से उनको यहाँ नहीं खड़ी करनी, तो कहीं ना कहीं इनसे अगर इस पर वो कड़ाई से पालन कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक व्यवस्था में एक अच्छा सुधार हो सकता है। पर क्या देखने को अक्सर ये मिलता है कि जहाँ अभिभावक को गाड़ी खड़ी करनी चाहिए वो गाड़ी बाहर ना खड़ी करके रोड पर गाड़ी खड़ी करके अपने बच्चे को लेने जाते हैं। ऐसे में जो पीछे वाले गाड़ी वाले हैं या आगे हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और जो आने जाने में लोगों का आगमन बंद हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि घंटों का जाम लग जाता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं। ऐसे में चाहे एम्बुलेंस हो या आम जनता हो या कोई बीमार हो या कुछ भी हो, किसी प्रकार की भी समस्या हो, उसको जाने जहाँ उसको 10 मिनट का समय लगना है वहां पर उसे आधे घंटे का समय लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या होती है। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि हम दरअसल जब सुबह के समय ऑफिस के समय निकलते हैं तो आप देखा जाता है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वहां पर जो कर्मी होते हैं वो भी बहुत कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। बाकी इस बीच हमारे साथ विशाल सिंह है समाज सेवी, वो हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। विशाल जी तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये नई तस्वीरें नहीं है, हम हर बार इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, इंस्टीट्यूट्स के बाहर। जब भी छुट्टी होती है तो इसी तरह से आम लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवाज उठाई गई है और बैठकें भी हुई हैं इसको लेकर सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं। जी मैं आपको ये बता दूं कि होता क्या है कि प्रशासन तो लाख दावे कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन सहयोग नहीं करता है उनका। अगर स्कूल प्रशासन सहयोग करे तो जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि इनके पास इतना ग्राउंड होता है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं अभिभावक। लेकिन अभिभावकों को कहीं ना कहीं विद्यालय जो है वो सहयोग नहीं करता है, जिससे अभिभावक जो है वो रोड के किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी करके अपने बच्चों को लेने में समय व्यस्त करते हैं। लेकिन उसी समय क्योंकि गाड़ियां और भी निकलती हैं रोड साइड से तो जाम अमूमन लग जाता है, जिससे काफी समस्या होती है। जितने भी मिशनरी स्कूल लखनऊ में चल रहे हैं लगभग सब जगह की यही समस्या है कि ज्यादातर जो है वो अभिभावकों की जो गाड़ी है उसकी वजह से ज्यादा जाम लगता है। लेकिन विशाल जी देखिए अगर हम बात करें अभिभावकों की, क्या उनको किस तरह से समझाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे हैं क्योंकि नियम तो बनाए गए हैं लेकिन पालन करता हुआ कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ना प्रशासन अपनी तरफ से सतर्कता बरत रही है ना कड़ाई कर रही है, लोग तो वैसे ही नहीं सुन रहे हैं, लोगों को कैसे समझाया जाए। मैम सबसे बड़ी जो चीज है वो स्कूल प्रशासन है, अगर स्कूल प्रशासन चाह ले तो रोड पे जो जाम लगता है उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक निजात मिल सकता है, क्योंकि इनके पास अंदर इतना ग्राउंड होता है कि अभिभावक जब आए अपने बच्चे को लेने के लिए तो अंदर इनकी गाड़ियों को कैंपस के अंदर करवा के सिस्टमेटिक ढंग से लगवाए ताकि बच्चे धीरे धीरे अपने अभिभावक से मिले और बैठे और आराम से गाड़ियों से निकल जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें स्कूल प्रशासन की गलती है। स्कूल प्रशासन जैसे शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन इसमें स्कूल प्रशासन को भी सहयोग देने की जरूरत है। स्कूल प्रशासन को और क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे पहले तो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन की तरफ से भी कायदे कानून बनाए गए थे लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स सुनने को तैयार नहीं है, और क्या कदम उठाए, क्या उठाए जाने चाहिए? जैसे जो अभिभावक अगर नहीं सुन रहे हैं, अभिभावक अगर स्कूल प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं तो
उन जो वहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं लखनऊ में, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे गाड़ियों का चालान करना चाहिए जो रोड पे ज्यादा देर तक खड़ी रहे। ठीक है विशाल जी, विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो विशाल सिंह समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बार फिर से रुक मैं हमारे संवाददाता राज का कर लेती हूँ। राज देखिए, इससे पहले हम विशाल सिंह जी से बात कर रहे थे, सवाल वही उठ रहा है लगातार क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ मैनेजमेंट भी है जिसको कड़े कानून या कायदे कानून बनाने की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, गाइडलाइंस देने की ज़रूरत है ताकि जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं समझे। क्योंकि देखिए कई चीज़ें होती हैं ऐसे कि जब तक सख्ती नहीं बरती जाती है लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी कि और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, जिस तरह से विशाल जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर अभिभावक नहीं मानते हैं तो फाइन चार्ज करना चाहिए अभिभावकों के लिए, शायद उससे वो जी बिल्कुल करते। जी बिल्कुल, बता दें कि अगर अगर अभिभावकों पर फाइन वसूला जाए कहीं ना कहीं जो रोड पर वो गाड़ी खड़ी करते हैं अमानवीय तरीके से, वो जो गलत तरीके से वो गाड़ियां रोड पर खड़ी कर देते हैं, अगर इसको लेकर उन्हें दंडित किया जाए, उनके ऊपर फाइन चालान या किसी प्रकार से वसूली की जाए उनके ऊपर प्रशासनिक तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज में सुधार आ सकता है और वो अपने नियमों का सही से पालन करेंगे। और ऐसे में ये भी हम अगर देखें प्रशासनिक अधिकारी जो स्कूल प्रशासन उनकी तरफ से भी कि अगर उनके जो अभिभावक है, जो बच्चों के अभिभावक हैं, वो इस तरीके से अवमान्य तरीके से गाड़ियां खड़ी करते हैं और वो उनकी बात को नहीं मानते तो उन पर कहीं ना कहीं उनके स्कूली बच्चों को देरी से या किसी भी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से उन पर दंडित करके उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जा सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक सुधार का कार्य होगा और उनके लिए भी एक समझदारी का कार्य होगा, जो क्योंकि कहीं ना कहीं जो जाम है वो प्रतिदिन ऐसे हजारों गाड़ियां डेली नई निकलती हैं और डेली नए लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जाम का जो सामना करना पड़ता है वो धीरे धीरे कम होगा, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है और उसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, उसके लिए चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे स्कूल प्रशासन हो, चाहे अभिभावक हो, उन सबको एक मिलकर एक मुहिम के साथ जोड़ना होगा और इसको एक जान से निजात दिलाने के लिए सबको एक साथ मिलकर इस पर कार्य करना होगा। जी सभी को काम करने की जरूरत है, चाहे हम अगर प्रशासन की बात करें, अभिभावकों की बात करें और साथ ही साथ ही स्कूल मैनेजमेंट की। राज अगर बात की जाए प्रशासन की तो क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि क्योंकि देखिए अभी तक तो लोग नहीं मान रहे हैं, अभिभावक नहीं मान रहे हैं, खासी दिक्कतें लोगों को तो हो ही रही हैं लेकिन एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक बनकर रह गया है प्रशासन के लिए, तो अगला कदम उनका क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए डीसीपी ट्रैफिक के बारे में जब बात होती है तो डीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है और नो पार्किंग की कार्रवाई की जा रही है, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस की यातायात व्यवस्था है उसको गाड़ियां उठाती है टोचिंग करके अपने उस पर 1500-2000 का चालान भी करती है, तो फिर भी उसके बाद बावजूद भी कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो मानने को तैयार नहीं होते हैं और दबंगाई के रूप में भी देखा जाता है, कहीं कहीं कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वालों से ही झड़प हो जाती है, इसके साथ साथ स्कूल प्रशासन से झड़प हो जाती है और अभिभावक अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं और वो उस पर लगातार जो विरोध है उनका विरोध रहता है कि वो गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे या उन्हें ले जाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकना है, 10 मिनट के लिए रुकना है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी गलती होती है उनके लिए और जिसको वो सुधार नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर किस प्रकार से सख्ती से कार्रवाई की जाएगी कि जो अभिभावक हैं या जो भी अधिकारी या जो भी उसने इसके जो गैर जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो और उनको उस पर उनको जुर्माना वसूला जाए। अब ये भी देखना होगा और आने वाले समय में लखनऊ में किस प्रकार से भारी जाम से निजात मिलेगा या फिर यह जाम आगे भी बरकरार रहेगा, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, दावे और वादे तो सरकार की तरफ से किए जाते हैं लेकिन सवाल यही है कि कब इस ट्रैफिक से निजात मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक दो स्कूल नहीं, एक दो सड़कें नहीं, पूरे लखनऊ की अगर बात करें तो हर सड़क पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, लोग परेशान हैं और सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि कब इस ट्रैफिक से निजात मिलेगा, कब जो वादा और दावा किया जाता है सरकार की तरफ से वो पूरा होगा, कब उसकी हकीकत देखने को मिलेगी जमीनी स्तर पर। राज बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे लखनऊ में स्कूल के बाहर की जो स्थिति है, अब देखिए और दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, ट्रैफिक से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, घंटों जाम से लोगों को गुजरना पड़ता है, खासकर जो आम लोग हैं क्योंकि जब स्कूलों की छुट्टी होती है, इंस्टीट्यूट की छुट्टी होती है, कॉलेजों की छुट्टी होती है तो भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, अभिभावक उन्हें लेने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में सिर्फ अभिभावकों की गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं, जो आम जो ट्रैफिक है दोनों ही
मिक्सअप हो जाते हैं, लोगों को परेशानियां हो जाती हैं, लोग ठीक से जो सड़कें हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं और रोज इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। सिर्फ एक दो स्कूल नहीं, हर स्कूल के बाहर का इसी तरह का नज़ारा है। हालांकि मीटिंगें इससे पहले की गई हैं, बैठकें सरकार की तरफ से की गई हैं, नियम बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन नियमों का ठीक से पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखना यही होगा अगला कदम क्या कुछ सरकार की तरफ से होता है और जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अब अगला कदम देखने को मिलता है इस ट्रैफिक को लेकर, खास करके इसी को लेकर आज हम बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।